हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नए प्रॉब्लम, एक नई दिक्कत लेके आ गया हूं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, टोकन प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी तक सोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम, डेस्टिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए, अब टोकन प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करते हैं। ये एक स्पेसिफिक एक अपना रिंग टोपोलॉजी मैंने बना के रखा हुआ है, बड़ा आसान होगा इसके थ्रू आपको टोकन प्रॉब्लम्स को समझाना। बेसिक सा स्ट्रक्चर ले रखा है, दो स्टेशन है, एक तीसरा मॉनिटर स्टेशन है। आप ज्यादा स्टेशन कंसिडर कर सकते हो, बट टू बी सिम मैंने इतने कंसिडर किए हुए, एक सिंपल रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो टोकन प्रॉब्लम है, उसे हम कहते हैं कैप्चर्ड टोकन प्रॉब्लम। कैप्चर्ड टोकन प्रॉब्लम मतलब क्या? किसी ने टोकन को कैप्चर कर रखा है? हाँ, कर रखा है। कैसे कर रखा है मैं बताता हूं। आपको जो भी स्टेशन है रिंग के अंदर, उन्हें जब कोई ट्रांसमिशन करना होता है, डेटा सेंड करना होता है, तो उसके लिए जरूरी चीज क्या होती है? टोकन को होल्ड करके रखना। तो टोकन को होल्ड करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक वो टोकन को अगर ज्यादा देर तक होल्ड करे, एक तरीके से टोकन को कैप्चर करके रखा है, आपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है, छोड़ने को ही तैयार नहीं है वो पर्टिकुलर स्टेशन उस टोकन को, तो दिक्कत है, तो समस्या है। क्योंकि फिर जब तक वो उस टोकन को रिलीज नहीं करेगा, दूसरे जो भी स्टेशन आपके रिंग के अंदर मौजूद है, दे विल नॉट गेट अ चांस टू ट्रांसमिट। और इस वजह से मोनो पोलाइजेशन हो जाएगा, मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा। बिकॉज समझ लो, ये स्टेशन है, इसने टोकन पकड़ रखा है और ये डेटा पे डेटा सेंड किए जा रहा है, छोड़े जा रहा है, और इसने टोकन को बड़े लंबा समय होगा पकड़ रखा है, कैप्चर कर रखा है, अपने कब्जे में ले रखा है स्टेशन वन ने उस टोकन को। तो जो भी बाकी के स्टेशन है इस रिंग के अंदर, दे आर नॉट गेटिंग अ चांस to get that token and send their data, and that's why a monopolization is being getting created, okay? तो इसका solution क्या हो सकता है? What can be the solution to this captured token problem? इसका simple सा एक solution हो सकता है कि maximum token holding time आप decide करके रख लो, मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम को आप कंसिडर या डिसाइड करके रख लो कि भाई साहब एक पर्टिकुलर, जैसे कि अगर मैं कहूं बाय डिफॉल्ट जो कंसिडर किया जाता है 10 मिलीसेकंड्स, ये बाय डिफॉल्ट आपका मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम होता है 10 मिलीसेकंड्स। अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, 100 मिलीसेकंड, 20 मिलीसेकंड, ऐसा कंसिडर करके रख सकते हो। तो ये है आपका एक मैक्सिमम डिफॉल्ट मैक्सिमम टोकन होल्डिंग टाइम कि भाई साहब कोई भी पर्टिकुलर स्टेशन जो है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी अगर स्टेशन है यहां पे, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिली सेकेंड तक टोकन को होल्ड कर सकता है, बराबर, उससे ज्यादा नहीं। और इस वजह से क्या होगा, ये मोनोपोलाइजेशन नहीं होगा, कोई भी पर्टिकुलर एक स्टेशन अपने पास उस पैकेट को कैप्चर करके कब्जे में नहीं रखेगा ज्यादा देर तक, और सिर्फ 10 मिली सेकेंड में उसको छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, सो दैट द नेक्स्ट स्टेशन इन द रिंग कैन गेट द चांस टू सेंड द डेटा, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एक हो गई बात। दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है, दूसरी समस्या कौन सी है, कि अगर आपका टोकन जो है वो अगर लॉस्ट हो जाता है तो। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, टोकन कैसे गुम हो सकता है, रिंग ही तो है, घूम घूम के वही तो आएगा, टोकन कैसे गुम हो सकता है, बराबर है कि नहीं? हो सकता है गुम। एक सिनारियो को कंसिडर करते हैं कि जब टोकन आपका गुम हो सकता है। मान लो ये जो आपका स्टेशन वन है, इसने टोकन को पकड़ रखा है फॉर सेंडिंग द डेटा, लेकिन समझो इसने जैसी टोकन को पकड़ा ये डाउन हो गया, हो सकता है कि नहीं? टोकन को पकड़ा स्टेशन वन ने और ये डाउन हो गया, ओके, अब अवेलेबल नहीं है ये स्टेशन, तो इसके साथ टोकन भी गया बराबर। और जैसे ही टोकन गया तो अब एक ही टोकन आपके उस रिंग के अंदर था, ओके, अब वो टोकन ले डूबा स्टेशन वन के साथ जो कि डाउन हो गया, तो अब टोकन उस रिंग में है ही नहीं, यानी कि आपका टोकन जो है वो लॉस्ट हो चुका है, टोकन जो है अभी आपका लॉस्ट हो चुका है, अभी उस रिंग के अंदर टोकन नहीं, अभी क्या होगा? अब तो भैया कोई ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा अपने डेटा को, सेंड ही नहीं कर पाएगा डेटा को, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन जो है वो ये रिस्पेक्टिव मॉनिटर स्टेशन निकालता है। दो चीजें होती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम? टोकन रिटर्न टाइम। जैसे हमने देखा था ऊपर टोकन होल्डिंग टाइम, वैसे यहां पे टोकन रिटर्न टाइम होता है। टोकन रिटर्न टाइम मतलब क्या? सी, यहां पे मिनिमम टोकन रिटर्न टाइम,
यहां पे अगर आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो अगर टोकन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका टोकन है तो उसे वापस से एक राउंड मारने के बाद इसी पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये टर्म मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसे हम कहते हैं रिंग लेटेंसी, इतना टाइम लगेगा। तो दिस इज द मिनिमम टोकन रिटर्न टाइम दैट वी हैव टू कंसिडर, दिस इज द मिनिमम टोकन रिटर्न टाइम दैट वी हैव टू कंसिडर, कि यहां से वो निकला, यहां से निकला, फिजिकली उसने प्रोपेगेट किया और वापस से यहां पे आ गया, तो दिस इज द मिनिमम टोकन रिटर्न टाइम दैट वी कैन कंसिडर, दैट इज द रिंग लेटेंसी, ओके। लेकिन मैक्सिमम टोकन रिटर्न टाइम क्या होगा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टोकन रिटर्न टाइम, कि वो यहां से शुरू हुआ और वापस से यहीं पे आया, वापस से यहीं पे रिटर्न आया, तो उसको कितना टाइम लग सकता है। जैसे कि आपको पता है कि बीच में कई सारे स्टेशन हो सकते हैं, ओके ऐसा भी हो सकता है वर्स्ट केस में, क्योंकि हम मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि हर स्टेशन को अपना डेटा ट्रांसमिट करना होगा और उसके लिए उसे उस टोकन को पकड़ना होगा, बराबर होल्ड करना होगा, डेटा ट्रांसमिट करना होगा, फिर रिलीज करेगा टोकन, फिर अगला स्टेशन उस टोकन को पकड़ेगा, फिर वो जो अगला स्टेशन है वो अपने डेटा को रिलीज सेंड करेगा, फिर वो टोकन को रिलीज करेगा, ऐसे होते 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 हर स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करते 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 फिर टोकन आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पहुंच जाएगा। तो रिंग लेटेंसी तो उसको लगेगी, रिंग लेटेंसी जो है वो तो एक बेसिक चीज है, वो तो होगी ही इन द मैक्सिमम टोकन रिटर्न टाइम, प्लस उसके साथ क्या होगा, टोकन होल्डिंग टाइम कितनों का, लेट्स कंसिडर देर आर एन स्टेशंस, लेट्स कंसिडर देर आर एन स्टेशंस इन द रिंग, तो मतलब रिंग लेटेंसी तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट फैक्ट है ही, उतना तो उसको फिजिकली ट्रैवल करना ही पड़ेगा और थ्रू दिस लिंक, लेकिन बीच बीच में जो स्टेशन उसको पकड़ लेते हैं, ओके पकड़ लेते हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वो कितना हो सकता है टोकन होल्डिंग टाइम, एन टाइम्स, लेट्स कंसिडर एन इज द नंबर ऑफ स्टेशन इन द रिंग, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइम है, यही तो है आपका सोल्यूशन, यही तो है आपका सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, ये है आपका सॉल्यूशन। तो ये जो आपका मॉनिटर है ये कुछ देर इंतजार करेगा, कितने देर इंतजार करेगा, मैक्सिमम टोकन रिटर्न टाइम, इतने टाइम तक वो इंतजार करेगा, ये जो स्पेसिफिक टाइम है ना, इतने टाइम तक वो इंतजार करेगा, इतने टाइम के बाद अगर ये आपका मॉनिटर स्टेशन टोकन को एक तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता, ओके, तो फिर वो क्या करता है, यहां से एक नए टोकन को रीजनरेट करता है, बराबर। मतलब कहने का ये सिंपल सा मतलब है कि मॉनिटर जो है वो इतने समय तक रुकता है, इतने समय के बाद अगर मॉनिटर को जो कि वो लॉस्ट हो गया है कुछ इस ऐसे हादसे में, अगर टोकन लॉस्ट हो जाए तो वो नहीं आता, बराबर, उस वजह से क्या होता है, डिले होता है, और इतने टाइम को जब वो क्रॉस कर जाता है तो मॉनिटर स्टेशन जो है इतने टाइम तक कोशिश करता है कि टोकन आ जाए, टोकन आ जाए, टोकन आ जाए, लेकिन जब ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपका क्रॉस हो जाता है और फिर भी मॉनिटर जो है आपके टोकन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो मॉनिटर एक टोकन को, टोकन पैकेट को रीजनरेट करता है कुछ इस तरीके से, और फिर ये अभी आपका टोकन जो है ये उस पर्टिकुलर आपके रिंग में घूमने के लिए तैयार है, सिंपल एज दैट। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द टोकन व्हेन इट इज गेटिंग लॉस्ट, आई होप यू आर गेटिंग। तीसरी समस्या, तीसरी दिक्कत, प्रॉब्लम, टोकन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि टोकन जो है भाई साहब आपका वो करप्ट भी तो हो सकता है, बराबर है कि नहीं, इसे हम कैसे भूल सकते हैं इस चांस को, कि मान लो जो आपका टोकन था जो घूम रहा था, ओके, ड्यू टू सम सिनारियोस, सम सिचुएशंस, सम कंडीशंस, जो टोकन पैकेट है आपका, आखिर वो भी एक पैकेट ही है, इट इज अ सिंपल 3 byte packet, तो ये पर्टिकुलर पैकेट आपका क्या हो गया, करप्ट हो गया, ओके। अब ये करप्ट होने के बाद जो आपका मॉनिटर है, ये मॉनिटर क्या करता है, ये मॉनिटर उस करप्ट टोकन पैकेट को एज अ डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व करता है आपके इस रिंग टोपोलॉजी में, और चूंकि वो अपना डिस्टर्बेंस है, वो मॉनिटर स्टेशन उस करप्टेड टोकन को रिमूव कर देता है फ्रॉम द रिंग, वो क्या कर देता है, उस करप्टेड टोकन पैकेट, जैसे कि ये है, अब ये करप्ट हो चुका है, ये टोकन पैकेट करप्ट हो चुका है, तो उसे वो क्या कर देता है, रिंग से बाहर निकाल देता है वो, ओके, और उसके बाद वो इतने समय के लिए, यानी कि मैक्सिमम टोकन रिटर्न टाइम के लिए वेट करता है, इतने टाइम तक वो वेट करता है किसका, टोकन डिटेक्ट करने का, अरे भाई तूने उसको निकाल दिया, बराबर, तो अभी वो वापस दिखेगा नहीं, तो वो क्या करता है, इतने देर तक उसको वेट करता है कि टोकन डिटेक्ट हो जाए, इतने देर के बाद जैसे ही ये टाइम आपका पास हो जाता है, ये मॉनिटर स्टेशन एक नए टोकन को जनरेट करता है, सिंपल, बराबर है। इस तरीके से जो है मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द टोकन रिंग
आपका जो मॉनिटर स्टेशन है वो हैंडल कर लेता है कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी जो टोकन प्रॉब्लम्स थी वो समझ में आ गए होंगे, उनके सॉल्यूशंस एक तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।